आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। त्रिपुरा विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे अब मतदान के दिन के नजदीक जा रहा है। अब तक जो चुनाव प्रक्रिया और प्रचार चला है और प्रदेश की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की स्थिति के बारे में कल प्रदेश समिति की डिटेल चर्चा हुई है, मैं सबसे पहले एक बात निश्चित कहना चाहता हूं कि त्रिपुरा में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। प्रदेश भर में सीपीएम सरकार के खिलाफ जबरदस्त रोष का माहौल है। 10 साल और 25 साल के दोषपैल में कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन त्रिपुरा में रहा, वो शासन के दौरान त्रिपुरा राज्य विकास की रेस में सबसे पीछे के नंबर पर जाकर खड़ा है। 25 साल कोई छोटा समय नहीं होता, किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी राज्य के जीवन में 25 साल का एक बड़ा महत्व होता है। और इसी 25 साल के अंदर देश में कई राज्य विकास के पैमाने पर बहुत आगे निकल चुके हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकारें हैं, हर गांव में बिजली पहुंचाना, हर घर में बिजली पहुंचाना, 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो गया। पीने का पानी पहुंचाना, स्वास्थ्य सेवाओं का अपग्रेडेशन, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से उद्योगों को अपने राज्य में आकर्षित करना, रोजगारी के लिए काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे बढ़ना, ये सारे क्षेत्रों में सीपीएम के शासन में त्रिपुरा पीछे पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। और इसी के कारण सीपीएम की कैडर और नेतृत्व दोनों में घोर हताशा दिखाई पड़ती है। और अब अपने मूल स्वभाव के अनुरूप सीपीएम हिंसा के रास्ते पर द्रुत गति से जाता हुआ दिखाई पड़ता है। दो दिन पहले हमारे एक बूथ के कार्यकर्ता मधुसूदन दे को अगवा कर लिया गया। 11 नंबर बूथ के वो अध्यक्ष थे, दो दिन तक इनका अता पता नहीं चला। हमारे कार्यकर्ताओं ने डीजीपी पर दबाव बढ़ाया, तब जाकर कर उनकी हत्या कर किसी पेड़ पर लटका देने का काम सीपीएम कैडर के द्वारा किया है। और मैं मानता हूं यहां का प्रशासन भी सीपीएम के इशारे पर काम कर रहा है, चुनाव प्रक्रिया को प्रदूषित कर रहा है। और मैं प्रशासन के सभी लोगों को भी अपील करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के निर्देशों का सबने पालन करना चाहिए और न्यूट्रल चुनाव हो इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। जब कम्युनिस्ट पार्टी यहां शासन में आई तब यहां पर 25,000 बेरोजगार रजिस्टर थे और 25 साल की उनकी उपलब्धि है कि 25 साल के बाद 7,33,000 बेरोजगार यहां पर रजिस्टर है। इतने छोटे से राज्य के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, इसका जवाब सीपीएम के नेता श्री माणिक सरकार के पास नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी खस्ता हाल है, कैडर के इशारे पर पुलिस चलती है, वो सब छोड़ दीजिए, महिलाओं पर अत्याचार की
मात्रा पूरे देश में जो तीन दो तीन राज्यों में सबसे ज्यादा है उसमें से एक त्रिपुरा है। हर रोज 5 आपराधिक मामले महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के रजिस्टर्ड होते हैं, उसमें से 2 बलात्कार हुए। मैं मानता हूं कि हालत बद से बदतर की ओर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने के बाद हमने कई प्रकार के संसाधन बढ़ाने का प्रयास त्रिपुरा के लिए किया और उसमें लगभग 13 फाइनेंस कमीशन से 14 फाइनेंस कमीशन में 18,000 करोड़ रुपया ज्यादा देने का प्रावधान किया है। 4 गुना वृद्धि की है। पहले 7,200 करोड़ दिया जाता था, अब 25,396 करोड़ रुपया दिया जाता है। इसके साथ साथ बांग्लादेश तक रेल लिंक कर व्यापार के और आवागमन के अनेक रास्ते इससे खुलने वाले हैं। अगरतला में फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के लिए अर्बन डेवलपमेंट के तहत पैसा दिया गया है। विद्युत परियोजनाएं, पलटाना विद्युत परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी कर चुके हैं। 189 करोड़ के साथ 23 पुले ब्रिज और 173 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का काम भी शुरू हुआ है। एक नई साइंस सिटी त्रिपुरा को देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। 15 डिग्री कॉलेजों को अपग्रेड करने का काम किया है। जीपी पंत अस्पताल के अपग्रेडेशन के लिए 12 करोड़ रुपया देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। अगरतला एयरपोर्ट के विकास के लिए लगभग 400 करोड़ रुपया देने का काम किया है और इसके अलावे स्वच्छ भारत अभियान के लिए 8 करोड़, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए 22 करोड़, आईआईटी के विकास के लिए 123 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 257 करोड़, पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए 100 करोड़ और 99 करोड़ और छोटे छोटे रोड्स के लिए देने का काम किया है। तो एक प्रकार से 950 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग प्रोजेक्ट्स में दिया गया और 18,000 करोड़ रुपया वित्त आयोग की समय मर्यादा में ग्रांट्स के रूप में दिया गया है। इसके अलावे कितने जनधन अकाउंट, कितने एलईडी बल्ब, मुद्रा बैंक योजना, उज्ज्वला योजना के माध्यम से त्रिपुरा के गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बहुत बड़े काम किए। मित्रों, आज जब हम चुनाव के अंदर हैं, कल देश के वित्त मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी लोगों के सामने रखा है। उसमें हमने हर घर में एक रोजगारी देने का वादा किया है, हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का वादा किया है, युवाओं के लिए फ्री स्मार्टफोन देने का वादा किया है। इसके साथ साथ चतुर्थ वेतन आयोग, 4th पे कमीशन से अभी तनख्वाह दी जाती है, उसको बढ़ाकर 7th पे कमीशन तुरंत किया जाएगा, उसका भी वादा हमने किया है। मजदूरों की लघुत्तम वेतन जो भारत सरकार ने 340 रुपया तय की है, उसको हमारी सरकार बनते ही त्रिपुरा के मजदूरों के लिए 340 रुपये का मजदूरी का वेतन तय करेंगे। फ्री हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम जो भारत सरकार ने आयुष्मान भव भारत के तहत डिक्लेयर की है, इसको यहाँ एक अच्छे तरीके से हम लागू करने की बात करी है और सारे वादों में सबसे महत्वपूर्ण वादा है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो
इस तरह का हम प्रशासन देंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने यह भी वादा किया है कि रोज वैली चिट फंड और बाकी सारे चिट फंडों के अंदर त्रिपुरा के गरीबों की गाढ़ी कमाई जो लोग हजम कर गए हैं वो कहीं पर भी छूते हो उनको ढूंढकर प्रोसिक्यूशन एजेंसी के तहत लाया जाएगा और जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। हमने ये भी कहा है कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी के कारण 10,000 से ज्यादा शिक्षक आज अपनी नौकरी गवा बैठे हैं, उनके लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से एक संवैधानिक रास्ता खोजकर उनके परिमार्जन की भी हम व्यवस्था करेंगे। मित्रों, जिस प्रकार से बदहाली का यहाँ माहौल रहा है, सिंडिकेट सिस्टम जिस तरह से हावी है, उस माहौल के अंदर आज पूरे त्रिपुरा में त्रिपुरा की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा से देख रही है। और मैं मानता हूं कि यहां पर कांग्रेस पार्टी नूरा किस्ती का खेल कर रही है, सीपीएम को जिताने के लिए वोट कटवा पार्टी के भूमिका में कांग्रेस पार्टी है। यहां कांग्रेस पार्टी कोई सीरियस प्रकार का कैंपेन लेकर आगे नहीं बढ़ी है, वो केवल और केवल एंटी सीपीएम वोट को बंटवारा कर सीपीएम को मदद करने की भूमिका में चुनाव लड़ रही है। मेरा त्रिपुरा की जनता को करबद्ध निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी की इस भूमिका को ठीक तरह से वो समझे। हमने ये भी वादा किया है कि हर असेंबली क्षेत्र के अंदर एक डिग्री कॉलेज भी खोला जाएगा और महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक की पूरी शिक्षा निःशुल्क कर दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी जाएगी। किसानों को अपनी लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का जो वादा बजट के अंदर भारत सरकार ने किया है उसको वैज्ञानिक तरीके से हमारी बनने वाली सरकार इम्प्लीमेंट कर त्रिपुरा के सभी किसानों को लागत से डेढ़ गुना मूल्य के समर्थन मूल्य मिले, इसके लिए एक अच्छी व्यवस्था करेगी। आज मुझे कहते हुए बड़ा आनंद हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीपीएम की हिंसा के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर तैनात है, हमारे कार्यकर्ता हर पोलिंग स्टेशन पर तैनात है और डटकर सीपीएम की हिंसा का मुकाबला कर रहे हैं। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद करना चाहता हूं और अपील भी करना चाहता हूं, हिंसा से मत डरिए। त्रिपुरा की जनता परिवर्तन के लिए अपना मन बनाकर बैठी है और आने वाले दिनों में 4 मार्च से त्रिपुरा के विकास का एक नया युग शुरू होने वाला है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश का 20वां राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार से युक्त होने जा रहा है, इतना हम सबको भरोसा है। धन्यवाद। मैंने इसको सिर्फ SMS और सोशल मीडिया में ही देखा है, इसकी डिटेल भागवत जी क्या बोले मेरे पास रिपोर्ट नहीं, जब मिलेगी तभी इस पर टिप्पणी कर सकते। कई जगह पे हमने किया है, मणिपुर में हमारी 0 सीट थी, आसाम में 0 के बराबर सीट थी, मणिपुर में भी हमारी सरकार है, आसाम में भी हमारी सरकार है, कई जगह संगठन के आधार पर एक कॉन्क्रीट काम हमने खड़ा किया है। और मोदी जी के लिए देश भर में जो लोकप्रियता है वो लोकप्रियता के कारण हमारी सरकारें बनती है और बाकी सारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और केंद्र के भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो परफॉर्मेंस है इससे हर राज्य की जनता को एक आशा बंधी है और मैं मानता हूं इसी के कारण चुनावों में हमें सफलता। क्या
प्रोग्राम देखिए, वामदल अगर ये कहता है तो वामदल की आइडियोलॉजी पर हमारा संगठन बना है क्या? भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी कोई छिपी नहीं, 1952 से हम देश की राजनीति में काम कर रहे हैं और शायद आइडियोलॉजी के आधार पर काम करने वाली हम अकेली पार्टी। वो आइडियोलॉजी को जानकर ही सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। अगर ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि उनके सोचने का तरीका भी उनकी पार्टी की तरह क्षीण होते जा रहा है। देखिए, हिंसा और वाम दल का चोली दामन का रिश्ता है। देश भर में जहां जहां वामपंथी मजबूत है वहां देखिए राजनीतिक हिंसा बड़ी है, पनपी है और एक राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तित हुई। हम इससे नहीं डरते हैं, हम डट कर मुकाबला करेंगे। त्रिपुरा की जनता हमारे साथ है, परिवर्तन निश्चित होने जा रहा है। चलिए भैया, विपक्ष का कहना तो ऐसे ही होता है, मगर मैं एक बात कहता हूँ, जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार आने के बाद जितने आतंकवादियों को मार गिराया गया है आजादी के बाद कभी नहीं। त्रिपुरा लैंड की रचना का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे साथी दल ने भी घोषणा की है, भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा की है, कोई त्रिपुरा में विभाजन नहीं होने जा रहा है, त्रिपुरा अक्षुण रहेगा। वो उनकी माइंड का स्टेज और स्टेटस बताता है, इसमें मैं टिप्पणी करना नहीं, मेरा एक लेवल है भैया। दे देंगे, अभी अभी आए हैं, मगर बाकी सारे भाजपा राज्यों में दे दिया है। यहाँ 25 साल से ये है, फोर चलाए, फिफ्थ सिक्स सेवन तीनों नहीं दिए, और मणिपुर में कांग्रेस ही थी, इनके साथी ही थे, मतलब प्रचिन्न साथी थे। देखिए, मैं किसी भी रिलीजियस टिप्पणी करना नहीं चाहता। हम नागालैंड में और मेघालय में सबका साथ सबका विकास के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। देश भर में हमने जहां जहां हमारी सरकारें बनी सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है, वहीं पर भी ये वो चुनाव के बाद ही तय करेंगे, अभी कोई नाम तय नहीं किया, ऐसा नहीं है कई राज्यों में तय नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।